नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सीरीज के नए क्वेश्चंस। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो जाहिर सी बात है आप पूरा वीडियो देख के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए सही आंसर देंगे। सबसे पहला प्रश्न है, एक आदर्श गैस के अणुओं में औसत गतिज ऊर्जा किसके अनुपात में होती है? तो एक आदर्श गैस के अणुओं में औसत गतिज ऊर्जा जो है गैसों के परम ताप के अनुपात में होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं? तो भौतिक मात्रा जो है कार्य और ऊर्जा, इसके युग्म के समान आयाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह रुद्धोष्म प्रक्रिया के बारे में हमें जानकारी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिणामों में से किसके आयाम शेष तीनों से भिन्न हैं? तो कोणीय संवेग प्रति यूनिट द्रव्यमान के आयाम जो हैं बाकी शेष तीनों से भिन्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ऑक्सीजन का घनत्व हाइड्रोजन से 16 गुना हो तो उसका तदनुरूपी ध्वनि के वेग का अनुपात क्या होगा? तो यह अनुपात लगभग 1:4 के बराबर होगा। जब किसी बॉडी का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो इनमें से कौन सी घटना घटित होगी? तो जब किसी बॉडी का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो इसका संवेग भी दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो बर्नौली का सिद्धांत जो है यह ऊर्जा के संरक्षण का प्रकथन है, सही उत्तर हो जाएगा। एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है, कारण क्या है? तो एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि उसका क्वथनांक पानी से कम होता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? तो सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के हिमांक से नीचे के बिंदु पर शीतलता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि की कथित प्रबलता की इकाई है? तो ध्वनि की कथित प्रबलता की इकाई सोन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा वैश्विक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है? तो वैश्विक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत नवीनकरणीय ऊर्जा है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण करने का तरीका है? तो कन्वेक्शन जो है यह ऊष्मा स्थानांतरण करने का तरीका है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सरल आवर्त गति का उदाहरण है? तो इनमें से सरल दोलन गति सरल आवर्त गति का उदाहरण है। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर इनमें से क्या आंसर होगा? तो तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान हमेशा नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालकता का पहला सिद्धांत निम्न में से कौन सा था? तो लंदन सिद्धांत अतिचालकता का सबसे पहला सिद्धांत था। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? तो यह विकिरण के माध्यम से यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? तो वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक निर्भर करता है। 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर 0 डिग्री केल्विन होता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्नतर तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यह संवहन की प्रक्रिया है जिसमें उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर ऊष्मा का संचरण होता है। यदि एक तरल पदार्थ का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में उसका तापमान कितना होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। परम शून्य ताप की वह स्थिति जिस पर क्या होता है? तो परम शून्य तापमान की वह स्थिति है जिस पर गैसों में आणविक गति घटने लगती है। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिशील पिंड के वेग तथा भार दोनों पर गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा? तो जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होगा पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक। एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम को फॉलो करते हुए एक तोप फायरिंग के बाद पीछे की ओर हटती है। किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो संभारित ऊष्मा ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो संलयन प्रक्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के समय सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। जब नेट टॉर्क शून्य है तब स्थिर क्या हो जाएगा? तो जब नेट टॉर्क शून्य हो तब कोणीय वेग स्थिर हो जाएगा। किसी ऐसे ठंडे दिन में जब कक्ष का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है, पैन की धातु की कैप प्लास्टिक की तुलना में अधिक ठंडी होती है
ठंडी क्यों हो जाती है, भले ही दोनों 15 डिग्री सेल्सियस के समान तापमान पर रखे गए हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धातु ऊष्मा का सुचालक होता है। राइट आंसर हो जाएगा। प्रेशर कुकर से भोजन पकाने का समय क्यों कम हो जाता है, तो यहाँ पर जल का भीतरी क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए भोजन पकने का समय कम हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का प्रश्न पत्र। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।